नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक यू हेल्प में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेसबुक पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जो है फेसबुक पर अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या दोस्तों कोई जो है नया मोबाइल नंबर उसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों आपका जो फेसबुक अकाउंट जिस भी नंबर से बना हुआ होता है वो नंबर आपका खो गया है या दोस्तों सिम बंद हो गई है और आप उसमें जो है नया मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं या दोस्तों उसको जो है चेंज करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत ही आसान तरीके से जो है फेसबुक पर अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साथ में घंटी वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको रोजाना हम इसी तरह की काम की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपने फेसबुक को ओपन करते हैं, इसके बाद में आपको यहाँ पर जो है अपने अकाउंट को जो है लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप इसको लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पेज डिस्प्ले हो जाता है। दोस्तों ये जो है मेरा फेसबुक ऑफिशियल ऐप है, इसको आप जैसे ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यदि दोस्तों आप अपने ब्राउज़र में या दोस्तों लाइट जो एप्लीकेशन है उसमें आप यूज़ करते हैं तो भी यहाँ पर सेम ऐसे ही फ्यूचर रहने वाले हैं। तो इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर बदलने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर 3 लाइन दिखाई देती होंगी, तो आपको सिंपली इस 3 लाइन के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक इस प्रकार का पेज डिस्प्ले हो जाता है। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आपको एक सेटिंग प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सिंपली सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे सेटिंग का मिलता है, तो आपको सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे दोस्तों आप इस पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, ट्रांसलेशन फॉर पोस्ट का, ऐड पेमेंट का, पेमेंट। तो यहाँ पर जो है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा अपडेट योर नंबर, अब फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो है आपके सामने इस प्रकार का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं नेम का, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर आपको अपना नंबर चेंज करने के लिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ यहाँ पर इस प्रकार का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड मोड फ़ोन नंबर का, तो यहाँ पर आपको ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करते हो, यहाँ पर जो है आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है जो भी आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है जो भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से जो है अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, इसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सिंपली इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपके नंबर पे एक ओटीपी कोड जाता है, उस ओटीपी कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर ये सिम आपके फ़ोन में पड़ी हुई है तो ये अपने आप वेरीफिकेशन हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर जो है मेरे फ़ोन में जो है पड़ी हुई है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अभी जो है यहाँ पर एक नंबर था, अब यहाँ पर जो है 2 नंबर ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने फ़ोन नंबर को जो है चेंज कर पाएंगे। अब दोस्तों यदि आप जो है अपने पुराने नंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप उनको जैसे उस नंबर पे आपको क्लिक करना है और नीचे आपको रिमूव का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से जो है आप अपने पुराने फ़ोन नंबर को भी डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने फेसबुक मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हाँ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।